हेलो गाइस, वेलकम बैक स्मार्ट अर्निंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाइव विड्रॉ लेके आया हूँ प्रीसर्च टोकन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं $25 के आसपास का अमाउंट आज मैंने विड्रॉ किया है 1000 टोकन, जिसमें 0.28 सेंट की फीस चार्ज करी गई है। और ये जो बैलेंस है प्रीसर्च टोकन का, ये मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24.26 यानी कि $25 के आसपास का अमाउंट मुझे मिल चुका है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस साइट से अर्निंग कर सकते हैं। इससे पहले मैंने इसकी ओल्ड वीडियो अपलोड करी हुई है ऑलरेडी, कि कैसे आपको यहाँ पे काम करना है, किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं इस वेबसाइट से बिना किसी डिपॉजिट के साथ। और गाइस, आज मैं आपको इस वेबसाइट का 1000 का जो टोकन मैंने विड्रॉ किया हुआ है, इसको मैं दिखाने वाला हूँ। और आज की डेट आप चेकआउट कर सकते हैं, आज 12 फरवरी है 2019, और ये जो फंड है मेरे अकाउंट में भेजा गया है, ये आप देख सकते हैं, जिसका बैलेंस है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने इस फंड को ट्रांसफर किया अपने अकाउंट में। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप जानना चाहते हैं पूरा प्रोसेस कि कैसे आप भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं और किस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। अगर आप नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके से अपडेट मिल पाए ऑनलाइन सेक्टर में, और आप एक रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट कर पाएँ। जिस तरीके से मैं यहाँ पर अर्निंग कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप भी कमा पाएँ। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे काम करना है और किस तरीके से आप भी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं फ्री में बिना किसी डिपॉजिट के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रीसर्च के ऊपर अपडेट लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे कई सारे कमेंट आए थे इसके पेमेंट प्रूफ को लेके कि मैंने इसका विड्रॉल अपडेट नहीं किया है। दोस्तों, आज मेरे पास 1000 टोकन है, मिनिमम आप 1000 टोकन विड्रॉ कर सकते हैं। टोटल बैलेंस अगर आप देखते हैं तो लगभग 1036 के आसपास का बैलेंस मेरे पास है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे मैंने बताया था वीडियो में, अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। इस समय गाइस, इसका प्राइस अगर आप देखते हैं कॉइन मार्केट कॉप में, तो 0.024 सेंट के आसपास का USD में प्राइस है। -4.11% के डाउन पे अभी मार्केट इसका गया हुआ है। गाइज, जब मैंने इसका वीडियो बनाया था तो इसका मार्केट काफ़ी अच्छा था, पॉजिटिव रैंक पे था, मगर अभी कई सारे लोगों का जो है क्रिप्टो करेंसी में जो निवेश था वो काफ़ी तेज़ी से डूबा हुआ है, और बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है वो काफ़ी डाउन आ चुकी है, इसीलिए जो इसका प्राइस है गाइज यहाँ पे माइनस में आपको दिखा रहा है। तो गाइज, आज जो मेरे पास अमाउंट है 1000, इसको मैं विड्रॉ करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक प्रोसेस आपको बताया था यहाँ पे कि किस तरीके से आप टोकन अर्न कर सकते हैं। कई सारे लोगों के मुझे कमेंट आए थे रेफरल को लेके, कि रेफरल से कैसे यहाँ पे अर्निंग करी जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पे ये जो प्रोसेस है प्रीसर्च का, इसमें नॉर्मली करना क्या होता है, आपको जो ये सिस्टम मिलता है इसका, यानी कि आप अगर कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके बदले में कुछ आपको टोकन मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं यहाँ पे फेसबुक को सर्च करता हूँ, ओके, जैसे आप नॉर्मली गूगल को यूज करते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे जो है सर्च करना है, ना कि ऐसे सर्च करना है कि हाँ हमको टोकन मिल रहे हैं तो कंटिन्यू आप 10-12 कीवर्ड एक साथ इसमें नहीं डाल सकते, तो उसकी टर्म एंड कंडीशन के खिलाफ हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको नॉर्मली वही सर्च करना है, मान लो जैसे फेसबुक आप सर्च करते हैं तो उसके बदले में आपको यहाँ पे 0.25 के आसपास का टोकन मिलता है, ठीक है। जैसे आप सर्च करेंगे, ये टोकन जो होगा ये आपके बैलेंस में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी कीवर्ड आप सर्च करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। सो गाइस, इस तरीके से आपके सामने फेसबुक ओपन होकर आ जाएगा, तो आपको इसका यूज करना है, ना कि आपको जबरदस्ती जाना है कि आपको अर्निंग मिल रही है तो आप हर बार कीवर्ड सर्च करें। जैसे आप नॉर्मली गूगल को सर्च करते हैं अपने पर्सनल वर्क के लिए, ऐसे ही आपको प्रीसर्च भी यूज करना है। तो फिर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप नॉर्मली आगे बढ़ सकते हैं, और जो भी कीवर्ड आपने सर्च किया है उसको अपने काम के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस, ये तो रहा मैंने कैसे आपको यहाँ पे यूज करना है, और उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक आप समझ चुके होंगे कि कैसे आपको प्रीसर्च को यूज करना है। ऐसे यहाँ पे ऐसे नहीं जाना है कि हमको अर्निंग करनी है तो हम जल्दी से 10-12 कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर दें कुछ भी और हम जो है टोकन यहाँ पे अर्निंग करें, ये आपको नहीं करना है, ये इसकी टर्म एंड कंडीशन के खिलाफ है। नॉर्मली आपको ऐसे यूज करना है जैसे आप गूगल को यूज करते हैं, ये कई सारे सवाल मुझे यहाँ पे आए हुए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में, कि आपका जो एफिलिएट है उसके जरिए आपको टोकन कैसे मिलेंगे। दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर आपको फ्री में कुछ दे रही है तो उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होगी, उसको आप फॉलो जरूर करिए, क्योंकि ये जो टोकन है इसकी मार्केट में एक वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे समझिए, अगर ये हर किसी को फ्री में देगा तो वर्ल्ड वाइड कितने सारे यूजर हैं जो इसको यूज कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, अगर वो हर किसी पर्सन को इस तरीके से फ्री में दे जाता है बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के, तो कई सारे लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे अर्निंग करेंगे, और जो इसका टोकन है, जो इसकी मार्केट वैल्यू है, ये और ज़्यादा डाउन आ जाएगी, क्योंकि मान लो हर किसी को, मान लो ये 1000 टोकन दे रहा है और हर कोई पर्सन यहाँ से अर्निंग कर रहा है और उसके बाद उसको विड्रॉ कर रहा है, तो उसका जो मार्केट है ये कहीं ना कहीं नेगेटिव में चला जाएगा, और ये स्वाभाविक है, ऐसा होना तय है। सो गाइस, यहाँ पे आपको रेफरल के माध्यम से 25 टोकन मिलते हैं। इसके लिए आपका जो रेफरल होता है उसको 100 सर्च रिवॉर्ड करने चाहिए टोकन, और जो टाइम पीरियड आपका रहेगा वो 60 डेज के अंदर रहेगा, यानी कि 60 दिनों के बाद ही आपको ये टोकन मिल पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अभी 1% का टोकन आया हुआ है 25,
ओके, जो पर्सन था उसने पूरी एक्टिविटी यहाँ पे करी है अपनी तरफ से, और ये जो टोकन आया है इसको मैं क्लेम करूँगा। तो ये जो मैं क्लेम करूँगा, ठीक है, यहाँ पे ये बटन आपके सामने होगा, ये जो अमाउंट होगा मेरे पास अभी, ये देखिए 1367 के आसपास टोकन मेरे को दिखा रहा है यहाँ पे, ओके। तो जैसे ही मैं क्लेम करूँगा यहाँ पे, तो ये टोकन जो होगा मेरे बैलेंस में ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो अमाउंट है मेरे वॉलेट में ऐड हो चुका है। तो पेज को मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करना चाहूँगा। दोस्तों अगर आपके मन में कोई पर्सनल सवाल है तो आप मुझे कर सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो फंड है मेरे अकाउंट में एडिट हो चुका है, ये देख सकते हैं 1393 के आसपास टोकन मेरे को मिल चुके हैं, और अभी ये मेरे को दिखा रहा है कि मैं 1000 टोकन अभी विड्रॉ कर सकता हूँ, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आप रेफरल में जाएंगे तो ये जो अमाउंट होगा ये मेरा यहाँ से माइनस हो चुका है, और इसके अलावा मुझे यहाँ पे दिखाएगा कि ये जो टोकन है मेरे को रेफरल प्रोग्राम के जरिए यहाँ पे मिल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं 25 टोकन मेरे इसमें ऐड हुए हैं, और अगर मैं कोई भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च करता हूँ तो 0.25 टोकन इस तरीके से ये आप देख सकते हैं पर क्लिक का मुझे यहाँ पे मिलता है। और अगर मैं रेफर करता हूँ किसी अनदर मेंबर को तो यहाँ पे ये मुझे दिखाता है कि 25 टोकन मुझे मिल चुके हैं, और साथ ही साथ ही आपको डेट भी दिखाएगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस 19 जनवरी 2019 को ये बैलेंस मेरे को आया था 25, और इसी तरीके से ये सीरीज बाय मेरे को 25 25 25 ये चार बार आ चुका है, और ये पांचवी बार भी आया था यहाँ पे, और ये छठी बार। तो इस तरीके से आप जो है सेल्फ अर्निंग भी कर सकते हैं, और आपका जो रेफरल होगा उसके जरिए भी आपकी अर्निंग यहाँ पे हो सकती है। अब बात आती है कि यहाँ पे विड्रॉ आप कैसे करेंगे, क्योंकि कई सारे लोगों का जो 1000 का अमाउंट था वो कंप्लीट हो चुका है मगर वो विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आपके 1000 कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो प्रीसर्च की टीम होती है वो आपके अकाउंट का एक बार रिव्यू करती है कि आपने कोई यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी तो नहीं करी है जो इसके खिलाफ है, यानी कि जो इसके टर्म एंड कंडीशन उसके खिलाफ है। अगर आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है तो आपको प्रीसर्च की तरफ से एक मैसेज आएगा कि आपका जो अकाउंट है विड्रॉल के लिए रेडी हो चुका है, या अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपने अकाउंट में भी चेक कर सकते हैं। तो मेरे सामने यहाँ पे दिखा रहा है रिडीम टोकन का ऑप्शन, तो सिंपली मैं इसमें क्लिक करूँगा अपना विड्रॉल प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने दिखाएगा कि कितना अमाउंट जो है आप विड्रॉ करना चाहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे जो है करना चाहता हूँ इस अमाउंट को लूँगा, और मिनिमम मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा 1000 का अमाउंट। और दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सबमिट करना है अपने माई इथर का वॉलेट। कई सारे लोगों को नहीं पता है माई इथर के बारे में, तो गाइस इसकी वीडियो आप देख सकते हैं, कई सारी वीडियो इसकी पड़ी हुई हैं। आपको सिंपली यहाँ पे कॉपी करना है अपना माई इथर का एड्रेस, और इसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट में आना है और सबमिट करना है उस एड्रेस को। ओके, तो जैसे ही आप एड्रेस को सबमिट करते हैं फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेना है, तो ये जो 1000 टोकन होंगे ये आपके अकाउंट के लिए ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे ये मेरे से कन्फर्म करता है कि मेरा जो विड्रॉल है उसको जो मैक्सिमम है 48 आवर्स से लग सकते हैं। ओके, और 48 आवर्स के बाद ये जो बैलेंस होगा ये मेरे अकाउंट में जो है डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो अभी मैं सिंपली इसकी टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं कंटिन्यू में प्रेस करूँगा। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो ये अकाउंट है यहाँ से विड्रॉ भेज दिया गया है, और इनका कहना है कि आपको एक मेल भेजा गया है, ठीक है, आपकी मेल पे एक कन्फर्मेशन आया होगा, उसको मुझे कन्फर्म करना है। तो चलिए मैं आपको अपने मेल पे लेके चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को मेरे मेल पे एक कन्फर्मेशन मैसेज रिसीव हुआ है प्रीसर्च सपोर्ट की तरफ से, और ये विड्रॉल कन्फर्मेशन है। तो नॉर्मली मैं इसको ओपन करूँगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये मेरे को दिखा रहा है कि मैंने जो है यहाँ पे 1000 टोकन का विड्रॉ लगाया हुआ है, और आपका ये जो विड्रॉल है इसको मेरे को कन्फर्म करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे कन्फर्म माई विड्रॉल पे क्लिक करूँगा, तो ये जो अमाउंट होगा ये मेरे अकाउंट के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते गाइस मेरा जो अमाउंट है ये विड्रॉल के लिए यहाँ पे रेडी कर दिया गया है। सो गाइस यहाँ पे जो फंड आपने ट्रांसफ़र किया होता है उसको नॉर्मली 5 से लेकर 10 मिनट तक लग सकते हैं, मैक्सिमम 48 आवर से लग सकता है, मगर ये जो मेरा फंड है ये आज ही की डेट में मेरे को मिल चुका है। मैंने 12 फरवरी को विड्रॉ ऐसे लगाया हुआ था, और ये जो फंड है मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके द्वारा मुझे हैश आईडी भी इसकी भेज दी गई है, जो 1000 टोकन मैंने विड्रॉ किए थे। इसको चेकआउट करने के लिए नॉर्मली आपको यहाँ पे हैश पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये फंड है आप देख सकते हैं गाइस मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, सक्सेस हो गया पूरी तरीके से। लगभग 17 मिनट पहले ये अमाउंट मेरे को रिसीव हुआ है प्रीसर्च टोकन का। जो टोटल फंड है मेरे को 1000 के टोकन मिले हैं, जिसकी जो कीमत है अभी 24.26 USD के आसपास। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसने फीस भी चार्ज किया है 0.28 सेंट के आसपास। इथेरियम में इसका प्राइस भी आप देख सकते हैं, और इसके अलावा इस यहाँ पे आप रिसर्च को मेरे माइथर वॉलेट में भी चेकआउट कर सकते हैं। ये जो फंड है मेरे को रिसीव हो चुका है 1000 टोकन, प्री का सिंबल यहाँ पे दिखा रहा है आपको।
तो गाइस आज का ये अपडेट था प्रीसर्च के ऊपर, जहाँ पे इसकी जो वैल्यू है इस समय 0.024 USD के आसपास रन कर रहा है। और आज मैंने आपको इसका पेमेंट प्रूफ दिखाया और कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं इस अमाउंट को, पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव विड्रॉल दिखाया है। आज की डेट भी आप चेकआउट कर सकते हैं गाइस, आज 12 फरवरी है जब मैं इस विड्रॉ को ले रहा हूँ। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे। और ये फंड भी आप चेकआउट कर सकते हैं, 1000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, ये दिखा रहा है कि -1000 टोकन मेरे उसमें हो चुके हैं। दोस्तों इसका जो वीडियो है मैंने काफ़ी समय पहले अपलोड किया था और कई सारे लोगों के क्वेश्चन थे विड्रॉ को लेके कि आपने जो है इसका पेमेंट प्रूफ नहीं दिया है। तो गाइस आज मैंने आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट कर दी और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों मैं आपसे कहूँगा ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके सामने एक नया प्रोजेक्ट मैंने रखा था जहाँ पे आज मैंने आपको लाइव विड्रॉल भी दिखाया। नॉर्मली आपको कोई भी कीवर्ड होते हैं उनको सर्च करना पड़ता है और उनके बदले में कुछ आपको टोकन यहाँ पे रिसीव हो जाते हैं, ठीक है। आपको नॉर्मली इस प्लेटफॉर्म को उसी तरीके से यूज करना है जैसे आप गूगल को नॉर्मली यूज करते हैं अपने कीवर्ड को सर्च करने के लिए। इस प्लेटफॉर्म का आप यूज करिए, इसके बदले में आपको अर्निंग मिलेगी जिस अर्निंग को आप विड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो अमाउंट आपका रहेगा इसको एक्सचेंज के माध्यम से आप बिटकॉइन करेंसी में विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे एक्सचेंज लिस्ट करे हुए हैं, मैं आपको इसकी मार्केट में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, आप इसको हिट BTC में एक्सचेंज कर सकते हैं, कॉइन एक्सचेंज में एक्सचेंज कर सकते हैं और यूबिट में भी इसका मार्केट अभी चल रहा है। दोस्तों इसका जो मार्केट सेटअप है, अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके सोशल मार्केट में आप विजिट कर सकते हैं। कई सारी न्यूज आपको यहाँ पे डेली रेगुलर मिल जाएंगी जिससे आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं कि कैसा इसका मार्केट है और क्या इसका फ्यूचर प्लान है। सो गाइस आज का ये अपडेट था प्रीसर्च के ऊपर, जहाँ पे आज मैंने इसका आपको लाइव विड्रॉल दिखाया और उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक आप समझ चुके होंगे, काफ़ी अच्छा भी आपको लगा होगा। दोस्तों अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं स्मार्ट अर्निंग चैनल पे और इसी तरीके से रेगुलर अपडेट चाहते हैं और ऑनलाइन सेक्टर में रियल में अर्निंग करना चाहते हैं, दोस्तों मैं आपसे कहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको बेहतर अपडेट मिल पाए ऑनलाइन सेक्टर में।